स्वामी हजरत, आपको मैं एक ऐसा इलाका दिखाना चाहता हूँ जिसका मंज़र आपने शायद पहले व्लॉग में कभी भी नहीं देखा होगा। ऐसे इलाके का मैं मंज़र आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इलाका है रियासी का, रियासी डिस्ट्रिक्ट का ये इलाका है। ये आ गया चिनाब, चिनाब है ये। आपको मैं ये जूम करके दिखा देना चाहता हूँ। ये देखो, ये जूम करके मैंने दिखाया आपको। ये चिनाब, इसका प्रोजेक्ट सलाल प्रोजेक्ट है। सलाल प्रोजेक्ट से चिनाब, चिनाब जो है सलाल प्रोजेक्ट से ये सीधा पाकिस्तान जाता है। ये है नवाबाद का इलाका, रियासी का छोटा सा इलाका जो है ये नवाबाद है। ये देखो कितना खूबसूरत इलाका है। ये है नवाबाद का इलाका, ये बस्ती है नवाबाद की, बस्ती ये है। ये देखो नवाबाद की बस्ती ये है। यहाँ देखो कितने खूबसूरत बड़े बड़े खेत हैं जो इस वक्त ज़ेर आबाद है। यहाँ से ये जो बीच में जो रोड नज़र आती है, ये रोड जाती है सीधा हॉस्पिटल नवाबाद से। ये सीधा हॉस्पिटल रोड से मिलती है। ये ऊपर जो इलाका है, ये इलाका जो है ये गार बलिया पड़ता है। गार बलिया कागज़ पत्र में गार बलिया में, ये नवाबाद की जगह जो गार बलिया कागज़ पत्र में गार बलिया में पड़ती है। ये नवाबाद का इलाका जो, ये पूरा एरिया जो है ये गार बलिया है। ऊपर माड़ी, पीछे माड़ी आ गया, ये नीचे जो है ये गार बलिया पड़ता है। ये जूम करके मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखो पॉलिटेक्निक कॉलेज है ये। पीछे इलाका जो पड़ा ये रियासी एरिया पड़ा, टाउन एरिया रियासी बाज़ार पड़ता है। ये जो है सामने जो ऊपर जो है ये रियासी का किला है। पुराने बुजुर्गों से सुना है कि ये गुलाब सिंह ने तामीर करवाया था। तो पीछे जो इलाका जो है ये बहुत इलाका दिखता है पीछे। ये देखो जूम करके ये दिखाता हूँ मैं। ये किला जो है बहुत पुराना किला है, ये राजा गुलाब सिंह जो था उसने तामीर करवाया था। ये जो रोड है ये गौशाला की तरफ जाती है रोड। यहाँ गौशाला बना है वो यहाँ से नज़र नहीं आता है। ये रोड जो है ये रियासी टू ज्योतिपुरम जो रोड नेशनल हाईवे है उस रोड से ये लिंक रोड निकाला गया है। ये रोड नीचे जाएगा नवाबाद के रोड के साथ मिलेगा, जो नवाबाद का रोड रियासी रोड के साथ मिलता है। नवाबाद से जो रोड जाता है वो विजयपुर से होके
गढ़ाल, बीजापुर से गढ़ाल जाता है, गढ़ाल से सीधा एक रोड रियासी बाज़ार की तरफ जाता है, एक जाता है नीचे महादेव मंदिर से सीधा नेशनल हाईवे में मिलता है शीला में। ये नवगढ़ की बस्ती है। ये जो आपको दरख्त जो नज़र आ रहा है, ये बोड़ी का दरख्त इसको बोलते हैं। यहाँ एक तालाब है जो सरकारी तालाब है। ये आम का दरख्त, ये दूसरा दरख्त जो है आम का दरख्त। नवाबाद के एरिया काफ़ी नीचे तक है, चिनाब तक ये एरिया फैला हुआ है। ये जो नाले के पार जो ये एरिया है, ये विजयपुर है। बहुत खूबसूरत इलाका है ये, देखो कितना प्लेन एरिया है ये। इसमें उतनी आम फैसिलिटी नहीं है। अगर इसमें फैसिलिटी ये है कि सर्विस गाड़ियाँ अगर इसमें चले, ऑटो शाटो अगर चलते रहें, लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। वरना ऑटो इधर चलते हैं, बहुत कम चलते हैं। एक बहुत से लोग जो हैं वो पैदल सफ़र करना पड़ता है रियासी तक, रियासी बाज़ार तक पैदल सफ़र करना पड़ता है। यहाँ तो पर्सनल गाड़ियाँ रखी हूँ, पर्सनल गाड़ियों में जाना पड़ता है बाज़ार। अगर ऑटो शाटो लगे हों, चार पांच ऑटो लगे हों, उन ऑटो के लोग जाएंगे बाज़ार का सफ़र करेंगे। कोई भी मुश्किलात पड़ती है, कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल जाना पड़े, ऑटो में ऑटो स्पेशल करने पड़ते हैं जो दो दो सौ रुपये, तीन तीन सौ रुपये लेते हैं। वो मुश्किलात के वक़्त वो ऑटो भी अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। जहाँ सौ रुपये लेना हो वहाँ तीन सौ रुपये लेते हो। इसलिए अगर गवर्नमेंट अगर थोड़ी तवज्जो दे, इधर ऑटो सर्विस ऑटो लगाए और लोगों की मुश्किलात का हल हो सकता है। बाकी बिजली पानी, बिजली तो लगी हुई है, बिजली तकरीबन हर घर में लगी हुई है, लेकिन पानी जो है पाइपें तो लगी हुई हैं, लेकिन अभी उन पाइपों से लोग हर एक बंदे को कनेक्शन नहीं दिया है। अगर हर एक बंदे को कनेक्शन लगे, और पानी जो हो वो सिर्फ एक ही टाइम आता है, सुबह आता है। अगर दो टाइम पानी आए, थोड़ा थोड़ा आए, लेकिन पानी दो टाइम आना चाहिए, ताकि क्योंकि नवाबाद में और कोई नाग का पानी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पानी शानी कुछ नहीं है इधर। इधर यही पाइपों का पानी आता है, वो भी एक ही टाइम आता है। अगर दो टाइम आए तो लोगों की मुश्किलात हल हो सकती है। शुक्रिया।